किसी चौराहे पे खड़ा करके उनकी गर्दन काट देनी चाहिए। सेम चीज उनको भी महसूस करवानी चाहिए और पनिशमेंट आई थिंक सो कोर्ट वगैरह तो नहीं दे पाएगी बट उन्हें पब्लिक को एक बार मौका देना चाहिए। आतंकवादी को लेकर जो है रातों रात सब सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन इस वारदात को लेकर आपको लगता है इतनी तत्परता दिखाई दे रही है, हमारे देश के नेता क्या इतनी तेजी से काम कर रहे हैं? फौरन सजा दी जाए, फांसी से भी कोई बड़ी सजा है, मैं तो ये कहूँगा इनको देनी चाहिए। हैदराबाद जैसे हीनस क्राइम यानी कि वहाँ पे जो रेप हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर क्या पनिशमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल विल क्या होना चाहिए, जनता की क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं, जनता क्या चाहती है इस हीनस क्राइम को लेकर, कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये अपराध किया है, तो चलिए जनता से पूछते हैं और उनसे जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि हैदराबाद में जो हुआ और भी वारदातें जो रेप की हमारे देश में होती हैं उनको लेकर पनिशमेंट कितना कड़ा होना चाहिए, आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है? अधिक से अधिक सज़ा दी जाए ताकि जो ये गुनहगार है उसे ये समझ आ जाए कि सरकार जागरूक है और उससे ज़्यादा वो हमारे समाज के प्रति बिल्कुल वफादारी से काम कर रही है। क्योंकि इस समय जो 2012 वाला हमारे दिल्ली का जो दुखद घटना हुआ था, उस घटना को आज तक जस्टिस नहीं मिला और वो आज भी बेल के लिए, माफ़ी के लिए एक एप्लीकेशन डालता है। ऐसी घटना इसलिए दोबारा हो रही कि वो एप्लीकेशन डाल पा रहा है। हाथों हाथ निर्णय क्यों नहीं आता है? अगर इसके ऊपर जितना जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन लेगी तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। जल्दी एक्शन होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बहुत सजाएं हैं, लेकिन उसका तत्काल में उसका फैसला होना चाहिए, जो हो वो फटाफट रिप्लाई उसको दे के जो करना है वो सजा करनी चाहिए और उसके लिए नया कानून कुछ लाना चाहिए। वो कानून अप्लाई करके तुरंत उसको जिस हिसाब से ये कानून PUC वगैरह का जो है वो फटाफट चालान काट देते हैं, उस टाइप से इसमें भी डायरेक्ट उसका पनिशमेंट देना चाहिए। हैदराबाद में जो हीनस क्राइम हुआ, रेप हुआ वहाँ पे, उसके बाद मर्डर कर दिया गया, आपके हिसाब से पनिशमेंट क्या मिलनी चाहिए इन वारदातों को जो अंजाम देते हैं? मेरे तरफ से पनिशमेंट ये मिलनी चाहिए कि जैसा उनको दर्द हो रहा है सेम उनको भी हमें रियलाइज करवाना चाहिए कि द पेन विच दे आर गेटिंग, द रेपिस्ट व्हाट दे आर डूइंग, एंड लड़कियों को इतना, मतलब इतना उन्हें महसूस किया जा रहा है, सेम चीज़ उनको भी महसूस करवानी चाहिए और पनिशमेंट आई थिंक सब कोर्ट वगैरह तो नहीं दे पाएगी बट उन्हें पब्लिक को एक बार मौका देना चाहिए ताकि सबके दिल में डर बैठ जाए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। तो क्या पता इससे थोड़ा कम हो, क्योंकि इतने सालों से केस पेंडिंग रह जाते हैं और कुछ एक्शन लिया जाता है नहीं, तो मे बी अगर हमारे हाथ में कुछ पावर आ जाए तो उन्हें पता चले और उन्हें रियलाइज़ हो कि भाई खौफ उनके दिल में खौफ बैठे कि वो कैसे अगर ये सब करेंगे तो क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक को एक बार चांस देना चाहिए कि वो अपना दिखाएं, जो रूप होता है जो लड़कियों को, वो लड़कियों के साथ जो करते हैं, लेट गिव अ गर्ल चांस कि वो अपना रूप दिखाए कि वो क्या कर सकती है उनके साथ। पनिशमेंट तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए और कोई पनिशमेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले जो निर्भया वाला केस हुआ था उसमें भी फांसी के लिए बहुत लेट कर दिया था। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम जैसी गर्ल्स, अब जैसे हम भी अभी सरोजनी, हम रात को सोचते हैं पहले निकलने से 10 बार सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स के भी, अभी हम सरोजनी आए तो देवर लाइक कि 5 o'clock तक आ जाना, तो पनिशमेंट तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए। पनिशमेंट क्या होना चाहिए आपको लगता है कि जो है, जो अभी कानून है हमारा, लॉ है, क्या लगता है ये इनसे रुक सकती है, ऐसे क्राइम रुक सकते हैं? इनसे बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि पहले एक बहुत साल पहले एक केस आया था कि एक मेजर की लड़की के साथ रेप हुआ था और वो मर गई थी या पता नहीं क्या होता, तो मेजर ने उसे खुद फांसी दिलवाई थी। सिर्फ पहली बार हुआ था कि रेप के लिए फांसी मिली थी क्योंकि वो खुद के साथ हुआ था, खुद की बेटी के साथ। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ होता ही नहीं है, बस रेप होती है, केस चलता रहता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि अगर खुद के साथ जब तक नहीं बीतती तब तक हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, ये है हमारी गवर्नमेंट। अब हाँ होना चाहिए, मतलब सजा मिलनी चाहिए उनको। पनिशमेंट क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए। There are so many countries की जहाँ पे ऑलरेडी कोई भी रेपिस्ट होता है उसको सीधा फांसी दी जाती है, पर हमारे इंडिया में इतने सारे डेली बेसिस पे 10-20 रेप्स और मे बी मिलियंस में, पर फिर भी उनको फांसी नहीं दी जाती। पनिशमेंट क्या होना चाहिए इतनी वारदातें जो होती है? फांसी। कानून में बदलाव लाना होगा, जो कानून है वो उसमें बहुत लंबा समय लगता है, कानून में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट फिर जाना होगा, संविधान में बदलाव लाना होगा,
और पार्टी वाले राजनीति नहीं करें, वो एक दूसरे पे राजनीति करते, कानून बनाओ जो कोई गलत काम करे तुरंत फांसी, और फांसी होनी चाहिए। हैदराबाद में जो कुछ हुआ, रेप होना फिर उसको अब मर्डर कर देना, आपके दिल में क्या है? बहुत ही आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। एक तो ये गवर्नमेंट जो है, इनके जो कानून सख्त नहीं है, सबसे पहले तो कानून बहुत सख्त करना पड़ेगा। इमीडिएटली जैसे ही कोई करता है उसको फौरन सजा दी जाए, फांसी से भी कोई बड़ी सजा है, मैं तो ये कहूँगा इनको देनी चाहिए। जो भी ऐसे अपराध करते हैं इनको बिल्कुल, इनके लिंक काट के इनको छोड़ देना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर ये एहसास करें और इनको जेल में बंद कर दें। आप बताइए, हैदराबाद में जो कुछ हुआ, आपके हिसाब से हैदराबाद में जो रेप हुआ था अभी, बहुत ही घिनौनी वारदात हुई, आपके हिसाब से पनिशमेंट क्या होना चाहिए इन लोगों के लिए? क्या देश में हमारे जो कानून है वो काफ़ी हैं इन वारदातों को रोकने के लिए? नहीं, कानून जो है वो ठीक है, लेकिन जो इतना लंबा होता है वो गलत है। चले जाते हैं, अगर कहीं सीएम बनवाना हो, या महाराष्ट्र का जो प्रकरण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, और आतंकवादी को लेकर जो है रातों रात सब सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन इस वारदात को लेकर आपको लगता है इतनी तत्परता दिखाई दे रही है? हमारे देश के नेता क्या इतनी तेजी से काम कर रहे हैं इन वारदातों को रोकने के लिए, कोई कदम उठाने को आपको लगता है कुछ कर रहे हैं? ये जो रात में कोर्ट खुल जाती है आतंकवादियों के लिए, तो लेकिन ये हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, इनके साथ में जो अत्याचार होते हैं, तो इनके लिए ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि भाई रात में कोर्ट खोल के इनको ऐसी से ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि सबको सबक मिले, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे को ऐसी सज़ा मिलेगी। किसी चौराहे पे खड़ा करके उनकी गर्दन काट देनी चाहिए, और सबको दिखाई देना चाहिए कि ऐसे ऐसे गर्दन काटी है, इसने ये काम किया था।